अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाईटेक शॉप। आज हम ProBook 430G6 और i5-8 जनरेशन का फुल रिव्यू करेंगे। ProBook 430 की प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आता है कोर i5-8265u प्रोसेसर, 4 कोर सीपीयू, 8 लॉजिकल प्रोसेसर, 6 MB कैश स्पीड, 1 बेस स्पीड इसका जो है 1.8 GHz, टर्बो अप टू 3.9 GHz। मेमोरी अगर इस लैपटॉप में देखें तो 8GB रैम लगी हुई है, 2400 MHz स्पीड की सिंगल स्लॉट की एक रैम लगी हुई है। SSD अगर इस लैपटॉप में देखें तो 256GB SSD NVMe SSD लगी हुई है। Wi-Fi अगर इस लैपटॉप में देखें तो Intel Wireless AC9560 का Wi-Fi चिप लगा हुआ है। GPU अगर इस लैपटॉप में देखें तो UHD ग्राफिक 620 ग्राफिक है इस लैपटॉप में। डिस्प्ले अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो ये 1080p में आता है FHD रिजोल्यूशन में, ये आप देख सकते हैं 1080p रिजोल्यूशन। HP ProBook 430 में ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का सेंसर लगा हुआ है, और इस साइड पर अगर आप देखें तो ये USB पोर्ट लगी हुई है, SD कार्ड पोर्ट। राइट साइड पर अगर आप देखें तो फर्स्ट वन चार्जिंग पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट, लैन कार्ड पोर्ट, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ऑडियो जैक पोर्ट। HP ProBook 430G6 का बैक कवर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं कि इसमें आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। I'm not the one.
देख सकते हैं ये प्रोसेसर चिप लगी हुई है, ये प्रोसेसर फैन है, ये इसमें 8GB की एक रैम लगी हुई है, एक एम्प्टी स्लॉट है, ये वाईफाई चिप है, ये इसमें SSD लगी हुई है NVMe, ये इस लैपटॉप की बैटरी है, ये हार्ड ड्राइव की जगह है, इसमें कनेक्टर अपना लगा हुआ है ऑलरेडी, ये इस लैपटॉप में स्पीकर लगे हुए हैं, नीट एंड क्लीन लैपटॉप है।